संग्राम। आप लोग दिल थाम के बैठी कहे कि अब हम बुलावे जा रहल बनी ओह लड़की के जवन चुपचाप आवे ले अपने सुर से बहुत लोगन के दीवाना बनावे ले न आँख हिलावे ले न मुंह चमकावे ले फिर भी सुर संग्राम में ओकर बज रहल बाटे डंका। जोरदार ताली से स्वागत करी आ रहल बाड़ी गोपालगंज के प्रियंका। सहज सरल विनम्र बाकी सुर ऐसन की कान में पड़े ता सीधा दिल में उतरे। अंग्रेजी से स्नातक पास, पढ़ाई लिखाई में भी आगे और संगीत के क्षेत्र में नाम कर दिली रोशन। गोपालगंज से प्रियंका सिंह संगीत के दुनिया में आउते हो गई नाम और मिल गई सुर संग्राम। प्रियंका समझ में नहीं खे अवत की कंठ में आवाज बा की आवाज में शहनाई बा। फुल मार्क्स, बहुत अच्छा। बिहार के दावेदारी मजबूत करे बजावेला अपना सुर के डंका आ गईली आपके प्रियंका। सुर संग्राम के सुरीला जंग में सुर के छेड़ब ऐसन बहार कि यूपी हो जाए पीछे और बिहार के हो जाए का। भोजपुरी में ही ऐसन होला जहाँ डूबत सूर्य के अर्घ देहल जाला तो जिंदा रहते मरला के भी गीत होला कि ओह जन्म में गैला पर का होई। भंवरवा के तोहरा संग जाई, अगर कोई सुनी तो थोड़ा सा उदास हो जाए, लेकिन सच्चाई यही बाटे कि अपन कर्म अपन यश यही ना मतलब बाटे गनवा के है। मालिनी जी, प्रियंका बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर साहित्य। भंवरा यहाँ पे प्रतीक पूरी जीवंतता के है और ये भारतीय लोकमानस में है कि दुख के संग सुख और सुख के बाद दुख के शाश्वत संबंध हो। कल्पना जी कुछ? प्रियंका, आपके गीत ने मुझे अंदर से हिला दिया और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मैं ज्यादा बोलूंगी तो मैं रो पड़ूंगी। मेरे पर्सनल लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ अभी हो रहा है और पता नहीं आपके गीत ने मुझे फिर से वापस वहां पे ले गए और मैं बहुत कंट्रोल करके यहाँ पे बैठी हूँ, फिर भी रुला ही दिया आपने मुझे
और मुझे मैंने सूर वूर कहीं कुछ देखा ही नहीं, बस मैं गीत के अंदर डूबती चली गई। गाना सत्य के तरफ इंगित करेला कि अपने संगे के जाय वाला बाटे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जे यह पद के अर्थ लगई है जगत पार हो जाई। तो कल्पना जी एकरा के समझ ले बाड़ी, ओके गाना सुनत समय ओकरा में डूबल बाड़ी। जे जे डूबी ओकरे आँख में आंसू होई, लेकिन वो आंसू सच्चाई के होई, वह सच्चाई के जहाँ सिर्फ यश कीर्ति शोहरत ही जा सकेला, बाकी प्रियंका कहाँ तक जाए। जोरदार ताली बजा के इनके अपने सीट पर भेजेंगे। भोजपुरी संगीत में दम बाकी, जब चाहे माहौल के खुशनुमा बना दे, जब चाहे माहौल के गमगीन भी बना सकेला, ऐसन शब्दन के ऐसन कंपोजिशन के असर बाटे। आज हम ही कह सकीला कि हमनी के यहाँ बड़ी प्रतिभा बा भाई, हमनी के बड़ा धनी बानी जा, हमनी के घर सुर और ताल से बड़ी भरल बाटे। और आज जवन सुर के मस्ती के साम बाटे, जहाँ नंबर के डर नहीं खे, जहाँ रुकला के डर नहीं खे, जहाँ खाली खाली मस्ती बाटे, वह सुर में जहाँ कल्पना जी के आंसू निकल जाता टे, मालिनी जी के बकार बंद हो जाता टे, वह भाव पर जहाँ सिर्फ भाव जिंदा रहता टे, हम बुलावे जा रहल बानी अपने उत्तर प्रदेश के दिलदार नगर के गाजीपुरिया सिरमौर। जोरदार ताली से स्वागत कर यार हलवाड़े मोहन राठौर। दिलदार नगर गाजीपुर के मोहन राठौर वाकई में एक दिलदार व्यक्ति बाड़े। अति साधारण परिवार से आवे वाला मोहन खांटी देहाती लड़का हूँ। आज से आपका नाम लिट्टी चोखा, क्योंकि मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। हमके आज ये एहसास हो गए बा कि तू लंबा रेस के घोड़ा बने। बिना लाग लपेट के बात करे वाला राठौर असाधारण प्रतिभा के धनी होंगे। सुर संग्राम के मंच पर कहत हई ललकार, उत्तर प्रदेश के आगे अब टिक ना सकी बिहार। बुझला कि सब कहे कि बहुते सुघर बाड़ू तू, हो सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ू तू टोना।
राठौर आज तो सुपर सिक्स में बाड़ा, कोई से कुछ कहल चाह तो कह सकेले है। जिंगे से माई के, बाबूजी के, भैया के, दीदी के, मौसी के, चाची के, फुआ के, फूफा के, मामा के, कोई के कह सकेला। हम श्रोता लोगन से ये कहल चाहब, पहले तो हम ऐसन परिवार में जन्मल बानी, क्यों माई के मतलब सबसे पहले प्रणाम करतानी, बाबूजी के प्रणाम करतानी, कैसे कि अभी तो हमनी घर में टीवीओ नहीं कि वो लोग देखी हंजा। ई बाटे स्थिति हमनी के, अजय सुनने वाला भैया हुई, आशा विश्वास के साथ अगर अच्छा लागत हुई तो जरूर हमनी के हमरा बारे में कुछ सोची, हमरा के मंच से विजयी प्राप्त के मतलब अपन भाव दई हमरा खातिर, हमरा प्रति आप सबसे यही स्नेह बाटे, प्यार बा, ये बात बा। भैया तोरा घर में टीवी नहीं खे? जी ना। कल्पना जी, मोहन यानी हमार लिट्टी चोखा, मैंने आपको पहले नाम दिया, मुझे आप, आपकी सुर, आपके गला, जैसे मनोज जी आपने बोला एक भोजपुरिया बात है, बहुत बहुत बढ़िया गा लो। और तुहार गीत सुन के हम यह कहब कि आवाज़ के बुलंदी बस यही तरह बनल रहे, आवाज़ के बुलंदी बस यही तरह बनल रहे, सुर गला में बस यही तरह सजल रहे हमेशा। धन्यवाद। मालनी जी, मोहन राठौर खातिर कुछ कहल चाहब? मोहन राठौर के सुर के लगाव जैसे अंगद के पांव, केहू हिला नहीं सके। गजब के सुर के लगाव, गजब के आवाज के पकड़, और सबसे बड़की बात जो हम बार बार आपसे, आपके याद है पिछली बार आपने ये बात हमसे सबसे कही थी कि हमके ही मन में तनिक संकोच है कि हम केहू से सीखले नहीं बनी। आपके सीखे कोनो जरूरत नहीं थी, हम आपके ही बतावे के चाहे काहे से गाने में, लोक गायकी में, लोक संगीत में जोन लहक, जोन उन्माद और जोन ओज की जरूरत है वो आपकी आवाज में साक्षात विद्यमान है। आज आपने जो गाया है पूरा दादरे का रंग गाया है, पूरा पूरा शास्त्रीय गा रहे थे बिना सीखे। सुसंग्राम के मंच से मोहन, आप जैसे गायक एक उपलब्धि हैं, उपलब्धि हैं हम सब के लिए, पूरे भोजपुरिया समाज के लिए, पूरे लोक संगीत गायकी के लिए। जी आप धन्यवाद। एक काम करेंगे, तोहरा घरे हम टीवी भेजवाई, ठीक ना? और ओकर कनेक्शन लेके अपने माई बाबू के जरूर देखी हा कि तोहरा खातिन इतना बड़े बड़े लोग का कह रहा बाटे, ठीक ना? अपनी कुर्सी पर बैठ जा, जोरदार ताली से स्वागत करी जा मोहन राठौर के। और एह संगीत के शाम के, मस्ती के शाम के आगे बढ़ावे खातिन, ए घमासान के आगे बढ़ावे खातिन, कहे कि घमासान यहाँ भी बाटे, भले नंबर के टेंशन नहीं खे, मार्किंग नहीं खे, एलिमिनेट होके के डर नहीं खे, लेकिन सुर तो हमार जज लोग सुन रहल बड़े, उन लोग के शब्द बता रहल बा कि के कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहल बा। और मस्ती के सामने एक घमासान हम बुला रहल बानी बिहार के एगो ऐसा लड़की जौन कभी NCC के कैडेट रहे, जौन फिल्म के हीरोइन रहे, जवन आज भी अपन दावेदारी बिहार खातिर उतने मजबूत केले बिया कि कह सकीना कि ओकर जोड़ नहीं खे दूजा, आ रहल बाड़ी मिथिलांचल के झा पूजा। पूजा आइल बाड़ी मिथिला बेगूसराय से, बचपन से ही पूजा रचल बसल बाड़ी संगीत के हर क्षेत्र में, सर्व गुण संपन्न पूजा बाड़ी अपने बाऊ जी के प्यारी। खूब ध्यान से, खूब सुर लगा के गई है, पर विशेष ध्यान दी है, यह हमार कामना, यह आशीर्वाद है। पूजा झा नृत्य गायन और अभिनय सभी कला में बाड़ी निपुण। स्वर में सरस्वती के निवास हो गई बा, ऐसे तुहार आवाज दिल के खास हो गई बा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलांचल के सुकुमारी पूजा उठौले बाड़ी बिहार के झंडा सुर संग्राम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ। सुर संग्राम के समर में हम कमर कस के आयल बानी, देखी आवाम जीतब सुर संग्राम। Yeah।
जब एजिंगा स्टूडियो में बैठल हो इतना चिचिया रहल बा तो आगे का होत हुई हालत टीवी पर तो हम जान सकीला। कौने फिल्म में काम के लिए बड़ू? मैथिली पिक्चर सिंदूरदान में। सिंदूरदान में। और पूजा तू कोई कोई व्यक्ति से जेकरा के ए सफलता के तू सबसे ज्यादा करीब माना ओकरा के बोल सकेलू धन्यवाद दे सकेलू कि तोरे आशीर्वाद से हम आज यहाँ आयल बानी या दुआ से केकरा कहबू? पूरा हमर जते परिवार के लोग छथिन से सब हमरा बहुत मतलब समर्थन दे छथिन हमर बहुत हौसला बढ़वे छथिन लेकिन सबसे ज्यादा पापा हमर पापा बहुत ज्यादा हमरा सपोर्ट करे छथिन बहुत ज्यादा हौसला बढ़वे छथिन आय पापा छथिन ताहि दुआरे हम एतौ छिए और पप्पे के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से आगा भी जेबे पापा के वजह से। पूजा के पापा आपके हमर भी प्रणाम। और पूजा जोन भाषा बोल रहल बड़ी हिंदुस्तान यूपी बिहार ई मैथिली भाषा हवे ई मैथिली भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में बाटे हमनी के भोजपुरी कार्यक्रम बाटे भोजपुरी दुनिया बाटे लेकिन आप ज्यादा आश्चर्य मत करब कहे कि हमनी के भाषा बहनों संविधान के भाषा नहीं खे एकरा खातिर केकरा के दोष दल जी हम नहीं खी जानत बस अपने किस्मत पे खुश होके के। और कल्पना जी कुछ आपसे पूछल चाहत पड़ी? पूछना कुछ नहीं है। क्या हुआ? अरे आप लोग ताली बजाई जा कहे कि हम आप लोग सूचना देतनी कि पूजा झा बिल्कुल ठीक बड़ी अचानक जो उनके संगे भइल मंच पे वो उनके कुछ कुछ प्रॉब्लम रहल या तो हो सकेला ये जो टेंशन बाटे शो के वो कारण हो सकेला या फिर पता चल जाए कुछ देर में कि और कोनो बात तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात हम आप लोग से बता दे चाहतनी कि बिहार के लोग यूपी के लोग आप लोग अपने पे इतना टेंशन मत लाजा बाबू कि हमनी के ऐसा स्थिति हमनी के मंच पे होखे। बालनी जी का कह पूजा के बारे में? यही बात एक हम आपकी तरह से हम इन सब लोगों से हम कल्पना दोनों मिल करके हम लोगों की मन की बात है कि आप सभी लोग ये बात जन मन में जान लें हम लोग भले ही जज की कुर्सी में यहाँ पे हों लेकिन आप लोग की तरह से हम लोग भी एक कलाकार हैं और बिल्कुल मन में टेंशन कोनो प्रेशर न लेकर के बिल्कुल जम करके गाएं और घर से द्वार से जरूरी लोग दूर हैं अपने माई बाबू गुल घर द्वार से दूर तो थोड़ा सा वो एक मुझे लगता है मानसिक दबाव रहता है तो हम और कल्पना आप लोगों के लिए परिवार की तरह है मनोज जी परिवार की तरह पूरा परिवार की तरह से है कोई दिक्कत कोई तकलीफ सबसे चिंता मुक्त होकर खाली अपने गाने बजाने में ध्यान दे बाकी कोनो टेंशन ना रहे। चलिए कम से कम आज के शाम कोनो टेंशन नहीं के कोनो मार्किंग नहीं के ऐसे आप लोग बिल्कुल टेंशन मत नहीं जा यूपी बिहार के लोग। और अब हम जेके बुलावे जा रहल बानी वो कलाकार बिया बड़ी नामी गोरखपुर के बिया बन सकेले भोजपुरी संगीत के सुनामी आप जोरदार ताली से स्वागत करें यार हलवाड़ी विजेता गोस्वामी। गोरखपुर से सिलेक्टेड विजेता गोस्वामी मासूमियत सच्चाई सीधाई और सदा खुश रहे वाला एगो ऐसन प्रतिभागी है जे गांव देहात और छोटे शहरन के सटीक प्रतिनिधित्व करेंगे। चुलबुलात खिलखिलात विजेता के मानल बा कि वो विजयी हुई है कहे कि उनके माई बाप उनकर नाम विजेता ऐसा ही नैखन रख ले। बिहार वाले के एकदम दांतों चना चबवा दे हमारी पक्का दावा है जैसा नाम बा विजेता औसन कामो करके दिखाए। पटेल
क्योंकि बहुत मुबारक हो सुपर सिक्स में तुहार आना। हम अपने माँ बाप के और पूरे भोजपुरियन लोगन से कहे चाहत बांटी कि उनका आशीर्वाद बा कि हम यहाँ तक आईली बाटी, बाकी भगवान जोन आगे करें। भगवान आगे बहुत अच्छा करी हैं, बाबा गोरखनाथ बहुत अच्छा करी हैं। और एक बात बताओ, ये जो ड्रेस पहन ले बाड़ू, ऐसा ड्रेस पहले पहन ले रहलू? कबो नहीं ऐसा पहन ली रहलू। कबो नहीं पहन ले रहलू? ये कुल जबरदस्ती पहना था का? बहुत हैवी अभी कान में लटका था, गले में इतना हैवी बा के संभाला संभाला परेशान हो गए बाटी। तो धीरे धीरे कनवा लंबा हो जाई तोर। तो सही हो जाई। हाँ ये बम्बई है ना, यहाँ सब सही हो जाला। ये बम्बई है, यहाँ सब सही हो जाला। और तू कै बहन बाड़ी सन? चार। चार बहन? सबसे बड़ के बा? हमई बाटी। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? अभी नहीं, पता नहीं चला था। अच्छा अभी नहीं, ओके। का कहीं बम्बई में आके सब कोई बदल जाला। तो बम्बई अला के बाद ना कितना लोगों के शादी सुधा के माथा में नहीं लौकेला लाल पे, तो हमनी के वही आदत पड़ गई बाटे। तो हम माफी चाहब तरस, ठीक ना? पिया के देहल पैजनिया शोर करेला पौआ में, प्यार देख पियवा से घर घर चर्चा होला गौवा में। विजेता जी, आपका प्लस पॉइंट यह है आपकी आवाज में एक खनक है। दूसर की बात ये कि चूंकि गोरखपुर से हमार भावनात्मक एक रिश्ता बानी आपके हम बतौले रही, गोरखपुर वासियन के आपसे बहुत आकांक्षा और उम्मीदें होंगी, तो जरूर उनका मान बढ़िया बढ़िया गाना के चुन करके आपके चाहिए कि दूर तक गोरखपुर के नाम रोशन करिए। बढ़िया गाना बढ़िया था। विजेता कोई से बतियावल चाहता अपने घरे में? बतिया माई बाबू के तो कहबे केलू है, लेकिन तो ऐसे ही मुस्कुरात रही है। हम अपने पूरे परिवार वाले से कह चाहते हैं कि जब हम यहाँ से जावेली सूट पे से, तो पापा का चाचा का सबकर फोन आला और कहला कोई चिंता की बात नहीं, तू आगे बढ़ू, हमार दिल कहा था। अब इसे अधिक नहीं कह सकते। बढ़ जा, आगे बढ़ जा, हुआ तो हर सीट इंतजार करत बा। नहीं होने 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 होने, सबके आंख में एगो सपना बाटे, सबके दिल में एगो अरमान बा। एहसाम के भले कोनो निर्णय निखे होखे के, लेकिन सुरन में बहुत बड़ा घमासान बाटे। तो चली जा, आप लोग के घमासान जारी रहे, इस सुर के संग्राम जारी रहे, और इस सुर के संग्राम के घमासान में मस्ती के सामने बुला रहल बनी हम बिहार रेजिमेंट के लखीसराय के रहे वाले एक ऐसन कलाकार के, जे अपने सुर से बहुत लोगन के कर रहल बाड़े मदहोश। जोरदार ताली से स्वागत करी आ रहल बाड़े आलोक। बिहार लखीसराय के आलोक कुमार के बचपन से संगीत के प्रति लगाव लेके आ गई सुर संग्राम के मैदान में। पिताजी से गायकी विरासत में मिलल सुर के वरदान, जवन बन गई एगो पहचान। फेरू छक्का तू मार गई। गीत में माटी के महत और आवाज में जादू, तू तो अपन प्रदेश के शान बढ़ा देला बाबू। आलोक कुमार के ऊपर उनकर प्रदेश बिहार के मान सम्मान के जिम्मेदारी बा। सुर संग्राम के अखाड़ा में जाई बाजी मार, यूपी नहीं जीते पाए, जीती हमर बिहार। खुलल के सिया के हवा दे दा हमके जी।
सिक्स में आगे बढ़ा लोग जी, आज तो सुपर सिक्स में बाढ़ा तो तुहरा सबसे ज्यादा धन्यवाद किया रहल बा, कोई तुहार सबसे खास? हमरा के सबसे पहले शुरू से मतलब पापा जी मतलब बचपने से हमरा सिखाव कर लखिन संगीत। अच्छा? बचपन से वहां के गाई ना कि बेटा तू गा बजाओ नाम कर दुनिया में यहाँ तक आवे। पापा से बात कर, अपने पापा से बोला। पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाह कि यहाँ तक हमरा भेजे लिखिन कि जा बेटा तू नाम कर दुनिया में गा बजा बहुत अच्छा नाम हुई। जैसे जैसे में हमारे मनोज भैया कल्पना दीदी और माननीय अवस्थी दीदी जैसे नाम की दुनिया में उसे ही तू बेटा नाम करेगा। जरूर नाम करवा, जोरदार ताली से स्वागत करेगा आलोक के। मेरे फीलिंग्स मैं लिख के रखी हूँ, आप जब गा रहे थे। सनेहिया के सूरत संवर जाला जब प्यार भरल केहू के नजर जाला, मोहब्बत कब हो जाए केहू से केहू ना जाने, एक कटारी ऐसन हा जौन करेजा में उतर जाला। अगर कल्पना जी के लाइन सुनने के बाद तुके दो चार दिन नींद न आवे तो हमरा से संपर्क करिए। और एक बात पूछना है मुझे जी, कभी किसी से प्यार किया है? जी जी जी, कभी किसी से प्यार हुआ है? जी अपने फैमिली से भी प्यार होता है। वो नहीं पूछ रही हूँ, अभी हाँ बोला था फिर आप धीरे से कुछ सोच के बदल गए आपसे। आगे के लिए एक सिर्फ मैं बोलना चाहूंगी कुछ आपको, मुड़की थोड़ा अगर आप कम करते तो शायद और अच्छा लगता, लेकिन आप बहुत बहुत बढ़िया गाते हैं। आगे के लिए ऑल द बेस्ट। आलोक आपके सारे जितने पहले गाने सुने उससे थोड़ा सा अलग रंग आज देखने को मिला, ये एक अच्छी बात, पहली बात। दूसरी बात, ये खुले केश वाली कौन है? अच्छा बस हाँ नाम बता दे, कोई तो है लखीसराय में कि यहाँ कोई बन गई? हाँ लखीसराय में। ओहो, मैं तो बस ये शुभकामना देती हूँ वो लखीसराय वाली को कि आपको ऐसी दुआ देते रहे कि आप उनको दिमाग में रखकर ऐसे जम के गाते रहे। जोरदार ताली स्वागत करिए, अपनी जगह पे जाके बैठ जाए। आज सिर्फ मस्ती बाटे, सिर्फ उमंग बाटे और यह उमंग के शाम के आगे बढ़ावे खातिर हम बुला रहल बनी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास बाटे सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के रहे वाली अनामिका सिंह के जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। सीताकुंड सुल्तानपुर के सुर के रजिया सुल्तान सुर साधिका अनामिका बचपन से ही संगीत में समायल बाड़ी। इनकर माताजी हर मोड़ पे इनकर साथ देले बाड़ी। भोजपुरी एल्बम ही नहीं, अनामिका हिंदुस्तान के नामचीन गायक पद्मश्री उदित नारायण के साथ युगल गीत गईले बाड़ी। अनामिका सफलता की सीढ़ी एक एक करके चढ़ता रही। आपके गायकी में कैसन ओज बा, कैसन ताकत बा कि आप बहुत दूर तक इस सफर में हम लोगों के साथ रही। अपना प्रदेश के शान सुर संग्राम जीत अब हम।
स्वागत करें अपने अनामिका सिंह जी के। परी लग रही हो आप, परी बहुत ही प्यारी खूबसूरत। मुझे लगा कि आप डरी हुई है, डर डर के गा रही थी आज आप। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अदरक में कई जगह सुर गया, थोड़ा सा सावधानी से जी। बाकी बहुत बढ़िया, आवाज में बहुत मीठापन है आपका। मालिनी जी कोई सवाल जवाब? अनामिका आवाज तो बहुत मीठी है, लेकिन आज डिरा डिरा के गाने की वजह से सुर कई जगह हिला कांपा, और जो गाने का जो असर है वो नहीं दिखेगा। आप सुल्तानपुर की, और अब सबसे बड़ी बात सुपर 12 में आप अपने प्रदेश के 6 जो सर्वश्रेष्ठ गायक हैं उनका प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं। अगली बार और तैयारी करके और जमकर। ठीक अनामिका, अभी यह कार्यक्रम में कुछ डर लगा था का तोरा आगे ऐसा जिसन जजों की बात सुन के? ऐसा कोनो बात तो नहीं बा। कोनो बात नहीं खे? नहीं। 25 लाख का करबू जीतबू तो? पहले जीती ना, अभी ने कैसे बता दी? अभी सोच कुछ प्लानिंग नहीं की के ले? पहले मिल जाए। चला ठीक बाटे, हम पूरा हमनी के दुआ कर लिए कि तोहार जीत होके और अपनी जगह पे जाके। आप बिल्कुल मत करी इंतजार, कहें कि हम बार बार कहले बानी कि आज न तो कोनो नंबर बा, न कोई पास बा, न कोई फेल बा, न कोई के जेल बा, न कोई के नकेल बा, लेकिन कुछ न कुछ जो शब्द के नंबर मिलल बटे वो कहीं न कहीं कुछ लोगन पे खतरा भी बढ़ा रहल बटे। कल से सावधान रहे सब कोई, सावधान रहे यूपी, सावधान रहे बिहार, कहे कि कल से नंबर लिखाई। पूजा भले बेहोश होगी रली है, लेकिन पूजवा कल फिर से आई और फिर देखल जाई कि केकरा के कितना दम्बा के कितना आगे ले जाई। हम चाहतनी कि आप यही भाव में यह लोगन के सम्मान करब। कल जे आई होली के रंग में आई, अपने संगे अबीर गुलाल लेके आई, अ तब मनोजो गाई। अरे सारा रा 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 बोले रे भाई कबीर, काल जे आई रंग लियाई संग लेके पिचकारी, जे कर मन होई उहे करी हो गोरियन से हो चिकारी। सुर संग्राम कल से देखा फिर संग्राम, आज के बस होके विश्राम, बाकी सबके जय जय राम।